प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने अपना दूसरा अध्याय जो कि है पूर्ण संख्याएं प्रारंभ कर दिया है, जो कि हमारी कक्षा 6 की गणित का दूसरा अध्याय है। ठीक है, इसमें हमने पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर जोड़ना, घटाना, गुणा करना भी सीखा था। साथ ही साथ पूर्ण संख्याओं के विभिन्न प्रकार के गुणों पर चर्चा करते हुए हमने उदाहरणों और सवालों को भी हल कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब ऐसा रूप जो बार बार रिपीट किया जा सके, अर्थात ऐसी व्यवस्था या ऐसा क्रम जिसे इस ढंग से रखा जाए कि अगला क्रम क्या होने वाला हमें अंदाज़ा लग जाए। ठीक है ना, और इसे हम अंग्रेजी में पैटर्न भी कहते हैं। आपने देखा होगा हमारे दैनिक जीवन में कई दफ़ा हमारी जो गृहणियाँ होती हैं, माताएँ बहनें, किचन के अंदर बर्तनों को सजाती हैं, डब्बों को सजाती हैं, तो कभी कभी इस तरह की व्यवस्था होती है, नीचे 3 बर्तन फिर ऊपर 2 फिर 1 रखे होते हैं ना, और हमें पता चल जाता है अगर मान लो हमें डब्बे या बर्तनों की संख्या बढ़ानी तो नीचे और कितने आने वाले हैं, 4, तो उनमें कितने कितने का अंतर आ रहा है, 1-1 का अंतर आ रहा है। तो ऐसे में हमें पता चल जाता है ना कि क्रम क्या चल रहा है, तो अगला क्रम हम निर्णय ले सकते हैं। तो ये क्रम आपको जानकर और हैरानी होगी कि जो आकाश में पंछी उड़ते हैं ना, ये भी कभी कभी किसी प्रकार के निश्चित क्रम में उड़ रहे होते हैं, और अधिकतर ये क्रम त्रिभुजाकार होता है, 1, फिर 2, फिर 3, 4 ऐसे उड़ रहे होते हैं ना। और साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे सैनिकों की, तो जब वो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर अपना सैन्य प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे में जब वो जहाज के साथ कलाबाजियाँ खाते हैं ना, तो वो भी एक निश्चित पैटर्न में खा रहे होते हैं। तो ये तो पैटर्न हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं ना, साड़ी के अंदर डिज़ाइन होता है, कमीज के अंदर भी अगर हम बात करें, शर्ट के अंदर लाल रंग, फिर नीला रंग, फिर पीला रंग, फिर लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, हम समझ जाते हैं कि अगला रंग क्या आने वाला है। ये क्या है, ये वास्तव में पैटर्न है, और ये पैटर्न आज हम हमारी संख्याओं में पढ़ने वाले, लेकिन इन संख्याओं में हम बिंदुओं की सहायता से पढ़ेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो जैसे यहाँ बात हो रही है पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप, हम पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमें क्या दिया गया है, हमारी पाठ्यपुस्तक को आधार बनाते हैं, तो हमारी पाठ्यपुस्तक में कहा गया है कि हम संख्याओं को बिंदु रूप में लेकर के और हम मेन इन 4 रूपों में व्यवस्थित करने वाले हैं। ये 4 रूप कौन कौन से हैं, ये 4 रूप हैं रेखा, आयत, वर्ग और त्रिभुज। हम केवल इन 4 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम रेखा से। तो रेखा के लिए आपको पता है कि यहाँ पर पे शुरुआत इसने की है संख्या 2 से। ठीक है, अब बात करते हैं संख्या 2 से ही शुरुआत क्यों कही गई, 1 से क्यों नहीं कही गई। तो 1 के लिए, 1 तो एक विशेष संख्या है जिसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, और 1 को ये एक बार के लिए छोड़ रहा है, ये शुरुआत कर रहा है 2 से, तो हम भी 2 से शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो बात आ रही है संख्या 2 की। तो संख्या 2 में होना क्या है, हमें जितनी संख्याएं दी होंगी उतने ही बिंदु उपलब्ध होंगे, और उन बिंदुओं की सहायता से हमें ये जो हमारी मानक आकृतियाँ हैं जो हमने चुनी हैं उनको बनाना है। ठीक है, जैसे मान बात करते हैं हम संख्या 2 की, तो 2 में हमें कितने बिंदु मिलने वाले हैं, हमें 2 बिंदु मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आप बताएं क्या ये 2 बिंदु मिलकर के रेखा बना रहे हैं, बिल्कुल, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये एक रेखा बन रही है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट बिंदु क्या लिया है इसने, संख्या क्या ली है, 3। तो 3 की अगर बात करें तो 3 में हमें कितने बिंदु मिलने वाले हैं, 3 बिंदु, अर्थात जितनी संख्या उतने ही बिंदु मिलेंगे, और अगर हम इन तीनों को मिला दें तो भी एक रेखा बन रही है ना। ये बिंदु आप कुछ करना नहीं है, हमें जैसे बिंदुओं की मात्रा बढ़ती जाएगी हम उन आगे आगे व्यवस्थित करते जाएंगे और मिला देंगे, तो संख्या बननी ही है ना। अगर मान लीजिए मैंने अभी तो इसको क्या आड़े रूप में लिखा है, अगर इसको मैं खड़े रूप में रखूँ तो भी ये एक संख्या, एक रेखा को निरूपित कर देगी ना। तो आप समझ पा रहे हैं, इसी प्रकार से 4 में भी 4 बिंदुओं को हम इस तरह से व्यवस्थित कर दें, एक के आगे एक रेखा बन जाएगी ना, और ऐसे भी बन सकती है 4 बिंदुओं के साथ में, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक संख्या को हम रेखा के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जितने बिंदु मिलते जाएंगे उनको आगे के आगे व्यवस्थित करते जाएंगे, रेखा बन जाएगी। ठीक है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ रेखा के कॉलम में सबको टिक कर देती हूँ हाँ के रूप में, ये भी हाँ, ये भी हाँ, ये भी हाँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरी आकृति जो कि है आयत। तो बच्चों आयत से तो हम भली बात ही परिचित है, पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था आयत क्या होता है, आयत ऐसी चतुर्भुज आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये आमने सामने आपको याद होगा, इस प्रकार की आकृति होती है ना, जिसे हम आयत कहते हैं ना। और इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है ना,
तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और हम यहाँ बात किसके करने वाले हैं, बिंदुओं की, ठीक है ना। तो हम शुरुआत यहाँ पर फिर से भाई दो से करने वाले हैं कि दो दो संख्या दो में हमें कितने बिंदु मिलने वाले हैं, दो। तो इन दो बिंदुओं से आयत बनेगा कि नहीं, इस बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पे इसने लिखा है दो से दो, दो बिंदु, संख्या दो में हमें बिंदु कितने मिले, दो। तो इनसे आयत नहीं, इनसे एक रेखा ही बन पा रही है, ठीक है ना। आयत के लिए अगर हम ध्यान दें तो अगर ये ऐसा होता, अर्थात दो ही बिंदु नीचे और दो ही बिंदु ऊपर, बिंदुओं की संख्या आमने सामने बराबर, आमने सामने बराबर। यहाँ तो केवल एक ही आया, इसके सामने तो कुछ भी नहीं आया ना, कुछ भी नहीं आया, और इसके दाएं बाएं साइड में भी कुछ नहीं आया। तो ये अपने आप में दो से आयत नहीं बनता है, तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने जैसे बात की थी एक दो तीन चार इनको मिला दें तो क्या एक आयत बन रहा है, बिल्कुल आयत बन रहा है। तो हम समझ पा रहे हैं कि एक आयत बनने के लिए हमें कम से कम कितने बिंदु चाहिए होंगे, चार। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ केवल तीन बिंदु बनाए हैं, ठीक है। तो इसको समझें, यहाँ पर कितने बिंदु काम में लिए, दो, और यहाँ कितने बिंदु काम में लिए। अगर यहाँ ध्यान दें, यहाँ ध्यान दें तो हमने कितने बिंदु काम में ले दिए, ऊपर बिंदु कितने हैं, क्या ये आमने सामने बराबर हो रहे, नहीं हो पा रहे ना। और अगर इस तरफ देखें तो कितने बिंदु हैं, दो, और इस तरफ देखें तो कितने बिंदु काम में आ रहे, एक, ये भी आमने सामने बराबर नहीं। इसका मतलब ये इनसे, इन तीन बिंदुओं से या संख्या तीन से आयत नहीं बनेगा, आप देख पा रहे हैं ऐसा लिखा हुआ है। और चार के बारे में तो हम पर में चर्चा कर चुके हैं कि हाँ इससे आयत बन जाएगा, ऐसे ही पाँच में नहीं बनेगा। हम आगे की संख्याओं पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे संख्या छः की, तो छः में हमें कितने बिंदु मिलने वाले हैं, छः। इन छः बिंदुओं को हम किस तरह से व्यवस्थित करें कि आयत बन जाए, और आयत में हम जानते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ भुजाओं की जगह क्या बराबर होंगे, बिल्कुल बिंदु बराबर होंगे। तो अगर मैं इस तरह से रखूँ एक दो तीन, और सामने भी एक और एक दो तीन, तो क्या ये बिंदु आमने सामने के बराबर हैं, बिल्कुल हैं बराबर हैं। यहाँ पे कितने बिंदु काम में लिए, तीन, और ऊपर भी हमने कितने बिंदु काम में लिए, तीन, तो तीन तीन आमने सामने बराबर हो गए। अब इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे कितने बिंदु काम में लिए गए, दो, और इस तरफ भी कितने बिंदु काम में लिए गए, दो, तो आमने सामने के बराबर हो रहे हैं ना। तो ये भी हमारे अपने आप में एक आयत बनाएगा, ठीक है। हाँ, अगली बात करते हैं संख्या सात की, तो संख्या सात में हमें कितने बिंदु मिलने वाले हैं, बिल्कुल हमें सात बिंदु मिलने वाले हैं। और अगर हम सात को व्यवस्थित करने का प्रयास करें, एक दो तीन चार, और ऊपर हमने पाँच छः और सात, अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे कितने बिंदु आ रहे हैं, चार बिंदु आ रहे हैं, और ऊपर बिंदु कितने आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इनको घुमा के भी देखूं, मतलब अर्थात नीचे एक दो तीन रख दूं और ऊपर एक दो तीन चार रख दूं, तो भी ये बराबर नहीं हो रहे ना, क्योंकि नीचे तीन ऊपर चार, नीचे चार ऊपर तीन, बराबर नहीं आ रहे। तो आप बता सकते हैं क्या ऐसी स्थिति में आयत बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो सात में हमारा आयत नहीं बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बिंदु हमारा क्या है, आठ, तो आठ पर चर्चा करते हैं। आठ में हमें कितने बिंदु मिलने वाले हैं, संख्या आठ में आठ बिंदु, और इन आठ बिंदुओं को हम आराम से व्यवस्थित कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको कुछ समझ में आना लग गया होगा। एक दो तीन चार, यानी कि पहली पंक्ति में हमने कितने बिंदु लगाए, चार। एक और पंक्ति बनाई, उसमें भी हमने ऊपर एक दो तीन और चार, और अगर देखें तो ऊपर भी चार बिंदु और नीचे भी चार बिंदु, और दोनों दाएं आमने सामने यहाँ पे दो दो बिंदुओं को काम में लिया गया, बिल्कुल आयत बन रहा है ना। इसको हम घुमा करके भी ले सकते हैं, अर्थात नीचे हम अगर दो बिंदु ले लें और ऊपर ले लें हम एक दो तीन चार, तो यहाँ पर पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ऐसी स्थिति में भी हमारा ये एक आयत बन रहा है, ठीक है ना। चाहे इसको हम लें दो इंटू चार, या इसे लें हम चार इंटू दो। यहाँ पर दो इंटू चार से आप समझ गए होंगे कि चार तो क्या है, चार तो हमारे बिंदु हैं कितनी पंक्तियों में, दो। या इसको अगर हम स्तंभ और पंक्ति की बात करें तो स्तंभ कितने होने वाले हैं, चार, और पंक्तियाँ कितनी होने वाली हैं, दो। और इस तरह से बात करें तो यहाँ पे स्तंभ कितने होने वाले हैं, दो, और पंक्तियाँ कितनी हो रही हैं, चार। तो आयत बन रहा है ना, बिल्कुल बराबर होने का। नेक्स्ट लेते हैं हम आठ पर, पे हमारा आयत बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब हम अगले संख्या जो कि हमारी नौ है उसकी तरफ चलते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं। नेक्स्ट बिंदु है हमारा नौ, तो नौ में हमें बिंदु कितने मिलने वाले हैं, तीन। तीन नहीं, बिंदु तो हमें नौ ही मिलने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, हम इसमें क्या करने वाले हैं, तीन तीन की पंक्ति बनाने वाले हैं। क्योंकि अगर मैंने इसको
इस तरह से बनाया, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, तब तो ये बराबर नहीं होने वाले, नहीं होने वाले ना। लेकिन मैंने इसको क्या किया, इसको एक वर्ग रूप दे दिया, अर्थात ऐसी स्थिति में मैंने कितनी पंक्तियाँ बना दी, 3 पंक्तियाँ बना दी, ठीक है ना। और अगर ध्यान दें तो यहाँ पर पे इसमें और इसमें सब में 3 3 पंक्तियाँ बराबर हैं, और इस तरफ ध्यान दें तो 3 और 3 टोटल कितने हो रहे हैं हमारे, 9 बिंदु काम में आ रहे हैं। तो ये हमारा अपने आप में एक आयत है, क्यों, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैडम 9 तो ये एक तरह से वर्ग बना रहा है, अभी आपने बोला, बिल्कुल सही, 9 वर्ग भी बना रहा है। जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा की थी 4 के लिए, 1 2 3 और 4, इसमें 2 बिंदु नीचे 2 बिंदु ऊपर, आमने सामने के बराबर, और 2 ही इधर 2 ही इधर, अर्थात चारों ही बराबर थे। तो 4 बराबर होने पर, यानी कि चारों भुजाएं बराबर होने पर क्या बन रहा था, वर्ग, और इसीलिए वर्ग के लिए हाँ लिखा हुआ है। तो 4 पे आयत भी बन रहा है और 4 पे वर्ग भी बन रहा है, ऐसे ही 9 पर पे आयत भी बन रहा है और वर्ग भी बन रहा है, ठीक है ना। तो साथ साथ अगर हमारा कुछ आता जाएगा तो हम उसको साथ में लिखते चलेंगे। अब बात करते हैं हम अगली संख्या जो कि हमारी है। तो 9 के लिए तो हमने बात कर दी कि आयत बनता है, ये गलत लगा दिए ना 8 की जगह, चलो कोई बात नहीं, हम अपनी गलती को खुद ही सुधार लेते हैं। ये यहाँ पर ना हो करके ये यहाँ 9 की जगह लगाना था हमें, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम 10 की। तो 10 में हमें क्या करना है, 10 में हमें हमें कितने बिंदु मिलने वाले हैं, 10 बिंदु मिलने वाले हैं, और 10 बिंदुओं से हमें चेक करना है कि आयत बनता है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम 1 2 3 4 5 और वापस से 1 2 3 4 5, 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो हम ऐसी स्थिति में एक आयत बना पा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे पास में पंक्तियाँ कितनी हो रही हैं, 2, और स्तंभ कितने हो रहे हैं, 5। आप चाहे तो इसको स्तंभ समझ लें, चाहे तो बिंदु समझ लें। तो 2 पंक्तियों में हमें कितने कितने बिंदु काम में ले रहे हैं, 5 5 बिंदु काम में ले रहे हैं, तो 2 5 10, 10 बिंदु काम में आ रहे हैं और आयत बन रहा है, ठीक है ना। इसको हम घुमा करके भी समझ सकते, समझ गए होंगे ना मेरी बात का मतलब, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अर्थात ये बन सकता है 5 × 2, 2 बिंदु तो यहाँ पर और 1 2 3 4 और 5 इसी प्रकार से यहाँ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आमने सामने के बराबर हो रहे हैं, आयत बन रहा है इजीली। ऐसे ही अगली संख्या हमारी 11। तो 11 में हमें कितने बिंदु मिलने वाले हैं, 11। क्या 11 को हम इसी तरीके से व्यवस्थित करके आयत बना सकते हैं जिसमें आमने सामने की भुजाएं अर्थात बिंदु बराबर हों, तो मुझे तो नहीं लगता, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और फिर क्या हो गया, 6, 5 और 6 11 होते हैं ना, और वो 6 अगर मैं ऊपर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये तो बराबर नहीं हो रहे। हाँ अगर एक और बढ़ जाए, अर्थात ये कितने बिंदु हो जाए, 12, तो ये आयत बन जाएगा, तो 11 पे तो नहीं बनेगा, और हम समझ गए 12 पर बन जाएगा। इसी प्रकार से अब हमें समझ में आ रहा है कि 13 में जुड़ा नहीं होने के कारण ये आयत नहीं बनाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग में अगर हम ध्यान से देखें तो 4 पर हाँ आया है और 9 पर हम पहले ही काम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं 6 और बची हुई संख्याओं की, ठीक है ना। तो 6 के लिए जैसे कि हम बात करें तो हमें पहले वर्ग की विशेषताएं पर चर्चा कर लेते हैं। वर्ग में आयत की जैसे ही 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक भुजा बराबर होती है, अर्थात इसमें होना क्या चाहिए, इसमें होना चाहिए, अगर हमने नीचे 2 बिंदु लिए हैं तो ऊपर भी 2 बिंदु होंगे और साइड पे भी 2 बिंदु होंगे दोनों तरफ, आ रही बात समझ में। तो ये हम देख पा रहे हैं ऐसे में कितने बिंदु काम में आए, 4 बिंदु, 4 बिंदुओं से वर्ग बन रहा है। अभी तो हमने 2 2 बिंदु लिए, अब हम कितने बिंदु लें, अब हम लेते हैं 3 बिंदु, 1 2 3, और इधर भी ले लिए 1 2 3, ये टोटल 3 3 हो गए ना, इधर भी 3 बराबर कर देते हैं इनको, तो ये टोटल कितने बिंदु हो गए, ये टोटल बिंदु हो गए हमारे कितने हो गए, 9, और 9 पर पे हमने हाँ कर रहा है। अब हम समझ पा रहे हैं अगर इससे कुछ भी बिंदु कम हुए तो हमारा तो ये वर्ग नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इनसे वर्ग तो नहीं बनने वाला, ठीक है। तो अगला वर्ग कितनी संख्याओं से बनने वाला है या कितनी संख्या के बिंदुओं से बनने वाला है, आप बात समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो ऐसे में हमने अभी तक 2 बिंदु लिए थे नीचे, फिर हमने 3 लिए, अब कितने बिंदु लेने वाले हैं, 4, 1 2 3 4, और ये तो एक ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, तो एक हम कम कर देते हैं। नीचे कितने बिंदु ले लिए हमने, 4, और 4 ही बिंदु हम कहाँ लेने वाले हैं, हमारे
खड़ी तरफ, तो इनको भर देते हैं बराबर 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 भर दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं कुल कितने बिंदु हो गए, गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अर्थात 16 बिंदु अगर हमें मिलेंगे तो हमारा पूरा वर्ग बनेगा। और पूरा वर्ग 16 बिंदुओं का मतलब अंक 16, जो कि यहाँ इस सारणी में नहीं दिया हुआ, परंतु हम समझ रहे हैं अगर हमें 16 दिया होता तो हमारा क्या बन जाता, वर्ग बन जाता। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि बाकी के ये जो संख्याएं हैं इनके बिंदुओं से वर्ग नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम देख पा रहे हैं दो, अगर दो बिंदु नीचे लिए तो 4 बिंदु चाहिए होंगे, अगर तीन ले रहे हैं तो टोटल 9 बिंदु चाहिए होंगे, और नीचे अगर 4 लिए तो कितने होंगे, 16 बिंदु, ठीक है ना, 4 × 16। ऐसे ही अब आप समझ गए होंगे कि अगला बिंदु कितने नीचे लेने पे, 5 लेने पर हमें टोटल कितने बिंदु चाहिए होंगे, बिल्कुल हमें 25 बिंदु चाहिए होंगे, अर्थात अगला वर्ग जो बनेगा 16 के बाद कहाँ बनने वाला है, 25 पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी तो आपको समझ में आ गया कि जिन संख्याओं से वर्ग बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, वर्ग संख्याएं, ठीक है। ऐसे ही जिन संख्याओं से आयत बनते हैं उन्हें आयत संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। अब हम जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि मैंने आपको जैसे बताया कि त्रिभुज को ज़्यादातर हम दैनिक जीवन में बहुत बार देख चुके हैं, जैसे मैंने अभी पूर्व में चर्चा की थी क्या कि गृहिणियाँ बर्तनों को सजाती हैं, और कभी कभी तो हलवाई भी लड्डुओं को आप देखते हैं इस तरह से सजा के रखते हैं ना, वो त्रिभुजाकार आकृति में अधिकतर होता है, ठीक है। और त्रिभुज का ही विस्तृत रूप होता है पिरामिड, जिसके बारे में फिर कभी बात होगी, ठीक है। तो हम त्रिभुज को एक थोड़ा सा स्पेशल मान के चल रहे हैं और इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझेंगे। तो जैसे कि आपकी किताब में चर्चा की हुई है कि त्रिभुज के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, त्रिभुज के लिए शर्त होनी चाहिए कि उसके नीचे के बिंदु और ऊपर के बिंदु घटते क्रम में होने चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात ऊपर केवल एक बिंदु होना चाहिए। वापस से ध्यान दें, त्रिभुज के लिए उसने शर्त लगाई है, क्या शर्त लगाई है, कि उसकी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और घटते क्रम में जाना चाहिए बिंदु, साथ ही साथ ऊपर केवल एक ही बिंदु होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे और हम बनाएंगे हमारे त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहले वो जो जहाँ से वो हमारी मदद कर रहा है, वो शुरुआत मदद कर रहा है, ये कह रहा है कि तीन से बनता है। तो तीन से कैसे बनता है देख लेते हैं। तो तीन से देखें आप, तीन में हमने जब त्रिभुज बनाने का प्रयास किया तो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, ठीक है। इसको इस ढंग से रखा कि ये नीचे से ऊपर कम होता जा रहा है, नीचे कितने बिंदु हैं, दो बिंदु, और ऊपर कितने हो गए, एक, ठीक है ना। और अगर देखें तो यहाँ पर पे इधर कितने बिंदु आ रहे हैं, यहाँ पर टोटल दो बिंदु आ रहे हैं, और यहाँ पे भी कितने बिंदु आ रहे हैं, दो। तो उसने कहा था ना दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो हमारी भुजाएं भी बराबर हो रही हैं और ऊपर घटते क्रम में भी जा रहा है, और इनको अगर मिला दें तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो तीन संख्या, तीन के तीन बिंदुओं से त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं आगे नहीं नहीं हो रहा है, तो हम इसी को थोड़ा विस्तृत कर देते हैं। शुरुआत में ऊपर हमें एक बिंदु चाहिए होता है, फिर हम चूंकि इसको थोड़ा उल्टी तरफ से चलते हैं, बढ़ा देते हैं दो, तो अगला हमारा क्या होने वाला है, तीन, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 1, 2, 3 कुल कितने बिंदु हैं, तीन, और अगर इस तरफ भी देखें तो कुल कितने बिंदु हो रहे हैं, तीन, बराबर हो रही दो भुजाएं, और साथ साथ ये घटते क्रम में जा रहा है, 3, 2 और 1। अब बात करते हैं इसमें बिंदु कुल कितने का, हमें गिन लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अर्थात 6 बिंदुओं से हमारा अगला त्रिभुज बनने वाला है। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पे हमारा त्रिभुज बन जाएगा, जो कि 3, 2, 1 घटते क्रम में बनने वाला, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट 7 की, तो बजाय हम 7 के जाने के हम हमारे इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने 1, फिर 2, फिर 3, अब कितने बिंदु लेने वाले हैं, 4, उससे कितनी बिंदु काम में आने वाले उसी संख्या पे हम टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो हम इस पे सबसे पहले एक बिंदु लिया, उसके नीचे दो बिंदु लिए, उसके भी नीचे तीन बिंदु लिए, और उसके भी नीचे कितने बिंदु, अब आप समझ रहे हैं ना ये प्रतिरूप क्या होता जा रहा है, बिल्कुल एक एक संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो कुल कितने बिंदु काम में आ रहे हैं, 4, और यहाँ पर भी ध्यान दें तो कुल कितने बिंदु आ रहे हैं काम में, 4 आ रहे हैं ना, दोनों बराबर आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये घटते क्रम में 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ऊपर लास्ट में 1 हो गया ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इनको गिन लेते हैं कि इनमें कुल कितने बिंदु काम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अर्थात टोटल हमारे कितने बिंदु काम में आए, 10। तो 10 पर पे हमारा त्रिभुज बनेगा, अर्थात 6 के बाद नेक्स्ट जो संख्या है जिससे त्रिभुज बनने वाला वो कौन सी संख्या है, 10। तो हम समझ गए निश्चित तौर पे 7, 8 और 9 से त्रिभुज
नहीं बनने वाला, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले बिंदु पर, यानी कि अगली कौन कितने बिंदुओं को लेने पर पे त्रिभुज बनने वाला है, तो इसी को आगे बढ़ा देते हैं। अभी हमने लास्ट बात कहाँ तक की थी, 4 तक की थी, तो अब हम बिंदु कितने लेने वाले हैं, 5, अर्थात नीचे कितने बिंदु लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और खड़े रूप में भी कितने लेने वाले हैं, 5, तो एक तो यहाँ ही है, 2, 3, 4 और 5। अब इसको घटते क्रम में करें, 5 फिर लेंगे 4, 2, 3, टोटल हो गए 4 और 1 और ये 2, टोटल हो गए 3 और ये 1, ये बन गया हमारा त्रिभुज। इनको अगर हम गिने तो बिंदु कितने हैं, नीचे हैं 5 फिर 4, 5 और 4 कितने हो गए, 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, अर्थात, और अगर ऐसे भी देखें तो यहाँ पे हमारे कितने बिंदु थे, 10, नीचे हमने 5 बिंदु ही तो बढ़ाए हैं ना, 10 में 5 जोड़ के 15 कैसे भी समझ लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर पे इनको हमने जब मिलाया तो एक त्रिभुज बन गया जिसमें यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5, अर्थात दो भुजाएं बराबर है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको दो भुजाओं पे जोर दिया, लेकिन वास्तव में तीनों बराबर है। कैसे, यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो बिंदु यहाँ थे, 1, 2 और 1, 2, यहाँ पे कितने बिंदु थे, 2 और ये 2 थे। तिरछी रूप में अगर देखें तो ये तिरछा है, तो तिरछे रूप में भी 2 ही आ रहे हैं। ऐसे यहाँ तिरछे रूप में देखें, नीचे 3, खड़े 3 और तिरछे भी 3 ही हैं, आड़े 4, खड़े 4 और तिरछे भी 4 ही हैं। ऐसे ही अब आप समझ गए होंगे, आड़े 5 बिंदु हैं, खड़े 5 बिंदु हैं और तिरछे बिंदु भी हमारे 5 ही बिंदु हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पे कितने पे आ रहा है, 15 पे हाँ हो रहा है, लेकिन 15 तो यहाँ दिखाया नहीं हुआ, तो हम फिर भी याद रखेंगे कि 15 पर पे हमारा ये त्रिभुज बनने वाला है, ठीक है। और ये 16 पे क्या बनने वाला था, 16 पे वर्ग बनने वाला था, यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें आगे हमारे जो सवाल आने वाले हैं उसमें थोड़ी मदद हो जाएगी इस सारणी की। तो बाकी समझ में आ रहा है कि निश्चित तौर पे इन संख्याओं से हमारे त्रिभुज तो नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कितना आनंद आ रहा है इस तरह की आकृतियों को बनाने में, है ना। और आप अभी तो इसने केवल 13 तक सारणी की है, आप अपनी इच्छा से इसको और आगे बढ़ा सकते हैं और फिर देखेंगे आप, पता चलेगा, ये तो पहले से पता चल जाएगा कि रेखा पे तो सबके सब बन जाएंगे, सभी संख्याओं से रेखा बन जाएगी, क्योंकि बिंदुओं को आगे आगे ही तो लगाना है, एक से एक आगे व्यवस्थित करते हुए और मिलते रेखा बन जाएगी। मेन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आयत, वर्ग और त्रिभुज पर, तो करिएगा ज़रूर और फिर बताइएगा आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं, ठीक है। हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैं एक थोड़ी सी बात और बता दूँ, त्रिभुज में चूंकि इसने शर्तें लगाई थी, अगर ये शर्त नहीं लगाता तो हम 4 पे भी त्रिभुज बना सकते थे, 5 पे भी बना सकते थे। कैसे, 4 पर अगर मैं 1, 2, 3 बिंदु नीचे ले लेती, एक बिंदु ऊपर ले लेती और इनको मिला देती तो भी तो त्रिभुज बनता था, बनता था ना, लेकिन इसने शर्त लगाई थी। याद है आपको शर्त क्या थी, कि जितने बिंदु यहाँ है उतने बिंदु ऊपर, तो नीचे मैंने कितने बिंदु कहाँ मिले, 3, और यहाँ बिंदु कितने कहाँ मिले, 1, 1 मतलब 2, है ना, 3 बिंदु ये और 2 बिंदु ये, क्या ये बराबर थे, नहीं। वैसे टोटल बिंदु तो हमारे 4 काम में आ रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ 3 बिंदु और ऊपर की तरफ 2 बिंदु, बराबर नहीं है ना, नहीं है ना। तो ऐसे में हमने इसको त्रिभुज नहीं माना है, ठीक है। अगर वो शर्त नहीं लगाता तो हम 5 से भी बनाते, 7 से बनाते और हम बहुत स्वतंत्र हो जाते, लेकिन यहाँ शर्त थी कि दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और घटते क्रम में चलना चाहिए। तो इसलिए हमने ये जो हमारे त्रिभुज निकल के आए हैं वो केवल और केवल कहाँ पर मिले, हमें मिले 3 पर, 6 पर, 10 पर और अगला 15 पर। तो अब सवाल शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, प्रयास कीजिएगा, पहला सवाल है, कौन सी संख्याएं केवल रेखा के रूप में दर्शाई जा सकती हैं। इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सवाल जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमने पूर्व में जैसे चर्चा की थी, ध्यान दीजिए यहाँ पर बात की थी रेखा के टाइम, रेखा के टाइम हमने कहा था कि प्रत्येक संख्या को रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या ये वही सवाल है क्या, तो रेखा के रूप में दर्शाई जा सकती हैं, तो आपको लग रहा होगा हाँ वही है, अर्थात 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, ये उत्तर वो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने ये एक शब्द डाल दिया है केवल, केवल का मतलब होता है वो और कोई आकृति नहीं दिखा। अगर ये केवल नहीं लिखता ना तो हम बेशक इसका उत्तर ले देते 2, 3, 4, 5, और हमने कहाँ तक चेक किया था, हम 13 तक चेक कर चुके थे और आगे भी ये बैठ जाता, अनंत तक चलते ही अपरिभाषित, जो कि है जितने ज़्यादा संख्या उतने ज़्यादा बिंदु मिलाते जाते हैं और संख्या बनती जाती, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पेश शब्द डाल दिया है केवल, और केवल में ये बात लागू नहीं होगी। क्या लागू होगी, वापस इस बात पे गौर करें,
कौन सी संख्याएं, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सारी संख्याएं लिखी हुई हैं, केवल रेखा के रूप में दर्शाई जा सकती है, अर्थात उनसे और कुछ नहीं बनता। अगर हम ध्यान दें तो इसमें रेखा बन रही है लेकिन और कुछ नहीं बन रहा, अर्थात त्रिभुज भी नहीं बन रहा, आयत भी नहीं बन रहा, वर्ग भी नहीं बन रहा। तो हमें यहाँ पर पे हमारा ये दो तो अपने आप से सही हो गया, परंतु हम इसको नीचे लिख देते हैं, यानी कि दो सही है, उसको मिटा देंगे। अब बात करते हैं तीन की। तो तीन में आप देख रहे हैं यहाँ पर हाँ आ रहा है और यहाँ पर भी हाँ आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है केवल और केवल रेखा बने, तो यहाँ तो त्रिभुज भी बन रहा है ना। तो यहाँ पर पे चूँकि, और आप इसको इस तरह से लिंक करें कि दो हाँ आ रहे हैं, हमें केवल एक हाँ चाहिए और वो भी कहाँ पर, रेखा में, ठीक है ना। केवल और केवल कहाँ पर हाँ चाहिए, रेखा पर, वही हमारे उत्तर होने वाले हैं। तो तीन तो हमारा उत्तर नहीं होने वाला। फिर आगे चलें, चार में तो बहुत सारे हाँ हो गए, तीन हाँ हो गए, और पाँच में हाँ हो रहा है, बाकी जगह नहीं है। तो दो के बाद अगला उत्तर हमारा क्या होने वाला, बिल्कुल पाँच होने वाला है। तो हम इसको सुधार ही लेते हैं, ठीक है, हम इस उत्तर को सुधार लेते हैं, ये हमारा सही उत्तर। अगर केवल शब्द काम में नहीं लिया होता तो ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर पे केवल शब्द डाल दिया है तो हमारा उत्तर परिवर्तित हो गया। तो दो के बाद क्या आने वाला है, पाँच, ठीक है ना, जो केवल रेखा के रूप में प्रदर्शित करें। तो सारणी की मदद ले लेते हैं, उत्तरों को वहीं से लिख देंगे। तो केवल हाँ वाला अगर हम ध्यान दें तो यहाँ सात पर है, ठीक है ना, बाकी सब ना हो रहे हैं, तो सात को लिख देते हैं। और देखते हैं तो यहाँ पर पे आठ पर दो हाँ हैं, नौ पे भी खूब सारे हाँ हैं, दस पे भी खूब सारे, ग्यारह में केवल एक हाँ है, ठीक है ना, तो ग्यारह ले लेते हैं। और थोड़ा और देख ले तो तेरह, तो ग्यारह और तेरह, तो यहाँ पर पे हमारे हो गए ग्यारह और तेरह। तो हमारा जो सवाल था, कौन सी संख्या केवल रेखा के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है, तो हमारी सारणी के हिसाब से तो आया 2, 5, 7, 11 और 13, और आगे तो आप करने वाले ही हैं, ठीक है ना। तो आगे आप जब कर लेंगे तो आगे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि है कौन सी संख्या वर्गों के रूप में दर्शाई जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें वर्गों पर ध्यान देना है, तो वर्गों के लिए सारणी देख लेते हैं। तो वर्गों के रूप में कौन सी संख्या है, तो आप देख रहे हैं हाँ किस पर आया, चार पर, और आगे चलें तो नौ पर, और आगे चले तो हमने देखा था 16 तक, यानी कि 4, 9 और 16। तो हमारा उत्तर लिख देते हैं 4, 9 और 16। बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर पे प्रतिरूप की, तो अगर हम ध्यान से देखें तो चार क्या है, चार अगर हम 2 को 2 से गुणा करें तो 4 बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही जिसमें आपको याद होगा, नीचे हमने 2 बिंदु लिए थे, ऊपर भी 2 बिंदु लिए थे, इस तरह से भी 2 हो रहे थे, तभी तो भुजा बराबर हुई थी ना वर्गों की। तो ऐसे ही यहाँ 9 में हमने क्या लिया था, 3 × 3, ठीक है, और 16 में हमने क्या लिया था, 4 बिंदु दाईं तरफ लिए थे, मतलब आड़े और 4 ही बिंदु खड़े लिए थे, याद आ रहा है आपको कुछ। तो अब आप समझ गए होंगे अगला बिंदु, अगली संख्या जिससे हमारे वर्ग बनने वाले वो क्या आने वाले, 5 × 5, अर्थात क्या होने वाले हैं, बिल्कुल 25 होने वाले। तो ये आप देख पा रहे हैं एक पैटर्न बनता जा रहा है, प्रतिरूप बनता जा रहा है उसी संख्या को उसी से गुणा करने में। तो इस हिसाब से तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 1 × 1 यानी कि 1 भी तो बन सकता है, बिल्कुल एक वर्ग संख्या है, लेकिन इससे वर्ग पे चर्चा उसने नहीं की है, उसने इस बात को थोड़ा सा गोलमोल करके छोड़ दिया, तो हम भी इसको थोड़ा सा एक बार के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 5 के बाद अगली संख्या क्या होगी, 6 × 6 यानी कि 36 होने वाली। वैसे एक वर्गाकार संख्या है लेकिन वर्ग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, इस पर उसने खुद ने ही प्रश्न बना करके छोड़ दिया है। तो हम चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि है सवाल नंबर 3, जो कि प्रयास कीजिएगा है, कौन सी संख्या आयतों के रूप में दर्शाई जा सकती है। फिर से सारणी की मदद लेते हैं। तो सारणी में हमने देखा 4, 6, 8, 9, 10 और 12, तो ठीक है इनको लिख लेते हैं, 4, 6, 8, 9, 10 और 12। अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें अधिकतर संख्याएं 2-2 के अंतराल से हैं, अधिकतर, मैंने सबकी बात नहीं करी क्योंकि इसमें 9 अपवाद के रूप में आ गया है, ठीक है ना। तो 4, 6, 8, 10, 12, और अगली हम निश्चित तौर पे क्या कह सकते हैं, 14 होगा 16 होगा 18, तो निश्चित तौर पे आयत के रूप में होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर पे हमने 9 को भी जोड़ा है, उसका कारण कुछ याद है आपको, बिल्कुल उसका कारण हमारा था कि 9 जो हमारा था, 9 हमारा वर्ग भी था, चूँकि वर्ग की सभी विशेषताएँ आयत की होती हैं, सेम होती हैं, तो प्रत्येक वर्ग आयत होता है, इसलिए 9 को भी हमें शामिल करना पड़ा, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं,
प्रथम 7 त्रिभुजाकार संख्याओं का को लिखिए, ठीक है। और त्रिभुजाकार संख्याएं क्या हैं, अर्थात वे संख्याएं जिन्हें त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। मैंने बताया था ना, जिनसे वर्ग बनाए जा सकते हैं वो वर्गाकार संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात ये सारी संख्याएं जो कि हमने यहाँ पे चर्चा की है, ये जो संख्याएं 4, 9, 16, 25, 36, ये वास्तव में क्या है, ये वर्गाकार संख्याएं, जिसमें मैंने एक का जिक्र भी किया था ना। ऐसे ही अब वो आपसे त्रिभुजाकार संख्याएं पूछ रहा है, और कौन सी पूछ रहा है, प्रथम 7। तो कुछ तो हमारे पास सारणी में उपलब्ध है। शुरुआत करते त्रिभुज की कहाँ से, 3, और 3 के बाद क्या था, 6, और 10 और 15, 4 तो हमने यहाँ पर ढूंढ ली थी, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं इनको, तो 3, 6, 10 और 15, ये तो केवल कितनी हुई हैं, 4। अभी हमें 3 और निकालनी है। तो क्या वो 3 हम वापस से त्रिभुज बना बना के करेंगे, या कोई एक पैटर्न है, तो पैटर्न पे ही हम मेहनत करें, क्योंकि हमारा काम ही यहाँ पे प्रतिरूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना। तो ध्यान से अगर हम देखें तो 3 और 6 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर। अगर मैं 3 जोड़ दूँ 3 में तो क्या बनने वाला है, 6, ठीक है ना। और 6 में मैंने कितना जोड़ा कि 10 आ जाए, बिल्कुल 4 जोड़ा, ठीक है ना। और 10 में मैं कितना जोड़ूंगी 15 आ जाए, बिल्कुल 5 जोड़ा। कुछ देख पा रहे हैं, कोई एक निश्चित पैटर्न प्रतिरूप बन रहा है, +3, +4, +5, अगला क्या होने वाला है, बिल्कुल +6 होने वाला है। और +6 होते ही ये क्या बनने वाला है, 21, ठीक है ना। और फिर हम +6 के बाद नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, +7, बिल्कुल +7 किया और ये बन गया 28। तो हमारे पास कितनी संख्याएं आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी एक बाकी है। तो हम अब 28 में कितना जोड़ेंगे बताइए, 28 में हम जोड़ेंगे 8+8, जो कि बन जाएगा 36। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, अगर ध्यान से हमने देखा है तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अगला अंतिम सवाल जो कि 5वां है, प्रयास कीजिएगा, है कुछ संख्याओं को 2 आयतों के रूप में दर्शाया जा सकता है, ठीक है। उदाहरणार्थ उसने उदाहरण दिए हैं, जैसे संख्या 12 ली है। 12 को हम वैसे पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि 12 को हम आयत के रूप में दिखा सकते हैं। अब ये इसमें आयत में भी आगे एक और शर्त लगा रहा है, वो शर्त को हम समझते हैं, कहना क्या जा रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि 12 को अगर हम 4 बिंदु नीचे लें और उसको कितनी बार रिपीट करें, 3 बार, आप देख पा रहे हैं ये काले काले बिंदु हैं, तो ये एक आयत बन रहा है, बन रहा है। और एक और आयत बन रहा है जिसमें हमने नीचे की तरफ कितने बिंदु लिए हैं, 6, और ऐसी कितनी पंक्तियाँ ली हैं, 2। तो 2 और 6, 2 × 6 कितना होता है, 12। अगर हम इनको गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, हो रहे हैं 12। तो कह रहे हैं ऐसा कुछ पैटर्न हो, अर्थात यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो संख्याएँ अलग दिख रही हैं और यहाँ पर पे संख्याएँ अलग दिख रही हैं। ऐसा कुछ संख्याओं को गुणा करें या ऐसा कोई क्रम कर दिया था, जैसे हमने 4 बिंदु नीचे लिए और 3 खड़े लिए, 6 बिंदु नीचे लिए और 2 ऊपर खड़े लिए, इस तरह के कुछ और संख्याओं से बन सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, आयत में तो कोई समस्या नहीं है। तो शुरुआत हम 12 से आगे चलते हुए ले लेते हैं, ये लिए हमने 18। तो अगर हम ध्यान दें तो 18 को हम लिख सकते हैं, 18 में 2 बिंदु नीचे, और ऐसा हम कितनी बार कर सकते हैं, बिल्कुल 9 बार कर सकते हैं, क्योंकि 2 × 9 कितना होता है, 18 होता है। तो 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 कितनी बार लिखने वाले, ऐसा हम 9 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और बराबर बराबर भर देते हैं। तो ये बन गया एक आयत जो कि है 2 × 9 से, और साथ अगर इसको हम उल्टा करके लिख दें तो 9 × 2 भी कर सकते हैं, अर्थात नीचे की तरफ कितने बिंदु होने वाले हैं पंक्ति में, 9, और स्तंभ में 2, 2, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। और एक लिख सकते हैं हम 3 × 6, अर्थात आप समझ गए होंगे अब हम अब पंक्ति में कितने बिंदु लेने वाले हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसी हम पंक्तियाँ कितनी लेने वाले हैं, 3। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ देखें 6, 6, 12, 6, 3, 18, टोटल 18 बिंदु हो गए। तो हमने एक व्यवस्था तो बना दी 2 × 9, जिसको 9 × 2 भी कर सकते हैं आप घुमा करके, और 3 × 6 या 6 × 3 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 20, ठीक है। तो 20 में आप समझ रहे होंगे अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या था लेके चलूँ, बिल्कुल मैं 2 × 10 ले रही हूँ, और 20 में और किसका भाग जा सकता है, बिल्कुल 4 का, कितनी दफ़ा जाता है, 5 दफ़ा, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितनी कितनी पंक्तियाँ और कितने कितने बिंदु या स्तंभ लेने वाली हूँ। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे मैं 10 बिंदु लेने वाली हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10,
ऐसा कितनी बार करने वाली हूँ? दो बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बन गया आयत, जिसमें 10 बिंदु पंक्ति में है और दो दो बिंदु प्रत्येक स्तंभ में। ठीक है, अब 4 × 5 में आप समझ गए होंगे हमें 5 बिंदु पंक्ति में लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ज़्यादा हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 ये ज़्यादा हो गए, इनको हटा देते हैं। अब हम लेने वाले हैं, ऐसा कितनी बार करने वाले हैं? 4 बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये बन गया हमारा 4 × 5 पे एक आयत बन गया। ठीक है ना, अगला ले सकते हैं हम, ऐसा हमें कितनी बार करना है? 5 उदाहरण लेने हैं, तो मैं 3 करने वाली, 2 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है ना, तो 20 के अलावा हम ले सकते हैं 24 ले सकते हैं। ठीक है ना, तो 24 में हम क्या कर सकते हैं? वही 2 की मदद लेते हैं, तो 2 × क्या हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। और इधर क्या हो सकता है? 3 × 8। तो आप समझ गए होंगे कि अब मैं पंक्ति में कितने बिंदु लेने वाली? बिल्कुल 12 बिंदु लेने वाली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ऐसा कितनी बार? बिल्कुल 2 बार लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, बन गया आयत। बराबर है ना, सामने 12 बिंदु नीचे, 12 बिंदु ऊपर और साइडों पे 2-2 बिंदु। इधर चलते हैं 3 × 8 पर, तो हम कितने बिंदु लेने वाले पंक्ति में? बिल्कुल 8 लेने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसा हम कितनी बार करने वाले हैं? 3 बार। जगह थोड़ा कम है तो थोड़ा पास ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसा हम कितनी बार करने वाले हैं? 3 बार। 5, 6, 7 और 8 ये बन गया हमारा। इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आ जाएगी। ये बन गया 3 × 8 के लिए आयत। तो उम्मीद है आपको संख्याओं से बिंदुओं को काम में लेते हुए विभिन्न प्रकार के प्रतिरूपों को समझने में आसानी होगी। हमने चर्चा की आज, क्या चर्चा की हमने? चर्चा की कि संख्याओं से हम उतने ही बिंदु लेकर के रेखा, त्रिभुज, आयत और वर्ग बनाना हमने सीखा, और इन्हीं से हमने विभिन्न प्रकार के पैटर्नों को भी समझा। उम्मीद है आपको ये पैटर्न और चित्र बनाने समझ में आए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए पैटर्न के साथ। जुड़े रहिए। धन्यवाद।